चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे YouTube में चैनल किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको मिनिमम 10 सेकेंड और मैक्सिमम 15 सेकेंड की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम YouTube को ओपन करेंगे। जैसे ही YouTube को ओपन करेंगे, साइड में आपको नीचे लाइब्रेरी ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको ऊपर आइकन के ऊपर जाना है और इसके बाद आपको योर चैनल के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपके पास आएगा क्रिएट योर चैनल। जैसे आप क्रिएट योर चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे और चैनल क्रिएट हो जाएगा और इसके नीचे आपके पास दिख रहा होगा क्रिएट अ वीडियो। यहाँ पे आपको क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक करने पे आप यहाँ पे वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इस चैनल के लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनको आपको ऑन करना होता है या फिर कुछ एडिट करना होता है। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रोम में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे यूट्यूब। कुछ इस प्रकार से आपके पास YouTube ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइड में ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट में चले जाएंगे और इसके बाद आपको थोड़ा इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे जहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ होगा, बी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे साइड में और इसके बाद योर चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कस्टमाइज चैनल का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास कुछ इस प्रकार से ओपन हो गया और इसके बाद आपको लर्न मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसको जूम कर लेना है और इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि अपने चैनल का नेम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, सेकंड नेम या फिर कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। चैनल डिस्क्रिप्शन, आप जिस भी बारे में इस चैनल को बना रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि नीचे आप यहाँ पर चैनल डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट और यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र, कुछ भी आप जो हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके नीचे आपको ऐड लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ओरिजिनल के ऊपर करेंगे तो यहाँ से आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके पास ये आपके चैनल का URL यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे आप अपनी अदर वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से ऐड करना है। ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइटल डालना है और इसके बगल में आपको URL को एंटर करना है। मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। और इसके नीचे आप यहाँ पर 5 लिंक को ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 लिंक्स। और इसके नीचे आप कॉन्टैक्ट इन्फो, बिजनेस क्वेरीज के लिए यहाँ पे आप कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल सकते हैं जिससे आपने अपना यूट्यूब चैनल बना के रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसी के नीचे आपको डन करने का एक ऑप्शन आएगा। तो हम इसमें नीचे जाते हैं यहाँ पे और इसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है या फिर आप इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ब्रांडिंग में जाना है। अगर आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ब्रांडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, आप अपने चैनल का लोगो सेट कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा, आप उसके लिए बैनर सेट कर सकते हैं। लोगो और बैनर को किस प्रकार से बनाना है मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। और इसके बाद आपको लेआउट के ऊपर क्लिक करना है। लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब। चैनल ट्रेलर एक वीडियो होती है, एक स्मॉल सी वीडियो जिसमें आपके चैनल का इंट्रोडक्शन होता है, उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और इसके नीचे फीचर्ड वीडियो, यहाँ पे आप फीचर भी कर सकते हैं किसी वीडियो को। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी किस प्रकार से किया जाता है। और इसके अलावा आपको अभी कुछ नहीं करना है और इसके बाद वीडियो को किस प्रकार से पब्लिश किया जाता है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे करना है और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसके बाद आपको एक काम और करना है, पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो आपकी सारी डिटेल्स जो भी होंगी वो अपडेट हो जाएंगी।